ओम शांति। आज 14 सितंबर 2021 की साकार मुरली है। आज बाबा ने स्वकल्याण करने के लिए चार्ट रखने की प्रेरणा देते हुए कहा, मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देंगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना, अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, यह खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे, फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं, हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाबा भी आकर खुशी की बात बतलाते हैं ना। बाबा जानते हैं बच्चे कामचिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाते हैं। बाबा कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, उनको फिर से अमर लोक में ले आता हूँ। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है, पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो, इसमें जादू की कोई बात नहीं है। बाबा आते ही है कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे, हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है, हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ, बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है, सतयुग में थोड़े ही बुलाते हैं। यह बातें बड़ी सहज समझने की है, यह किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे, तीनों ही एक हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में है, यह बाप टीचर सतगुरु भी हैं। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाने का। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है, यहाँ मनुष्यों का कलयोगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबर वार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है, वहाँ बुरे लक्षण कोई होते ही नहीं, वह है ही देवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं, सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं, नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो,
कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, यह तो भगवान वाच है ना, भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़े ही आएंगे। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं, तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाबा के बने हैं। बाप भी कहते हैं, तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सुख का सागर हूँ, अभी तुमको अतींद्रिय सुख भासता है, जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है, पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, वह समझती है यह हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को ही नहीं समझते उन्हों की, वह एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेंगे यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है, बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है, यह है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ, सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना। कहते हैं, बाबा हम दुखी हो पड़े हैं, रावण राज्य का अर्थ भी नहीं समझते हैं, एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु यह कब से दुश्मन बना है, आखिरी यह दुश्मन मरेगा या नहीं, यह दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, विनाश होना है, एटॉमिक्स बॉम्ब्स भी बने हुए हैं, इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई दुनिया पर राज्य करेंगे, बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को नहीं कहा जाता है, देवताओं को श्री कहा जाता है, क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं, हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है, पतित है ना। यहाँ लाइट का ताज किसी को लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए, तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। यह खुशी होनी चाहिए, शिव बाबा को याद करना चाहिए, तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है, फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं, माया का फोर्स है ना।
हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है, स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते हैं तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझाते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी हैं, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाबा तो समझाते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना। बाबा कहते हैं चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो होना है, कोई कोई में उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, यह अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही फायदा है। गाया हुआ है अंतकाल जो हरि को सुमिरे, वल वल का अर्थ क्या है, जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वह वल वल अर्थात बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराई फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो जट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोचरा अर्थात सजा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्म राज है। बाबा कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। यह तो संगम पर बाप आए हैं तब घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं ना, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, वह तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मजे की बात बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं, बाबा को याद भी नंबर वार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है, बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाबा कितना कहते हैं सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए, तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती हैं। सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनवाने पर जोर दे रहे हैं। यह चित्र बनाना तो बहुत काम की चीज है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स अर्थात मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैसेंजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं। हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डाल देती है, बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाबा रहम दिल दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाप का परिचय देना है।
बाप कहते हैं, माम एकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा से वर्षा लेते हैं तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए, शरण पड़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात बाप की गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, उसमें पहला है, बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सेवा करनी है, कभी अहंकार में आकर मियां मिठू नहीं बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, संकल्प के इशारों से सारे कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारे कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलती हैं। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। आज का स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।